हेलो रोना, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डिली इन सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बॉल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। देख, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है एक हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट को जब सूप दिया जाता है तो एक सिलेंड्रिकल बॉल में दिया जाता है जिसकी डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि हॉस्पिटल को कितना सूप तैयार करना पड़ेगा अगर वहाँ पर 250 पेशेंट को देना होगा सूप। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए, स्टार्ट करेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले डायमीटर है हमारे पास जो सिलेंड्रिकल बॉल है उसकी कितने 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग रेडियस निकालते हैं, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3.5, और ये सेंटीमीटर में है। साथ ही हमारे पास हाइट भी गिवन है, कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग पहले वॉल्यूम कैपेसिटी निकालते हैं एक सिलेंड्रिकल बॉल की, मतलब कि जो हमारे पास जिसमें सूप को सर्व किया जाएगा उसकी कैपेसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल बॉल। सिलेंड्रिकल मतलब जो आपका जो बॉल है वो एक सिलेंडर की शेप का है, तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5 × 3.5, हाइट हमारे पास है 4। यहाँ से 3.5 को कैंसिल कर सकते हैं 7 से 0.5 टाइम्स, 22 × 0.5 × 3.5 × 4, ओके, विच इज़ इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आया तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल कितने पेशेंट है, 250 पेशेंट। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सूप ऑफ 250 पेशेंट्स, सिंपली 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे 154 में, विच इज इक्वल टू 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं था, काफ़ी इजी था। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर अच्छे से हो गया होगा। प्लीज स्टडी सेंटर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।